हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अगर हम वोवेल्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो कॉन्सोनेंट्स क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोवेल्स की, जो कि क्या है और उसका यूज़ कैसे होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो जो वोवेल्स है वो कितने होते हैं और उसका यूज़ कहाँ होता है देखते हैं, ठीक है। तो जो वोवेल्स है वो कितने हैं? फाइव। कितने हैं? फाइव, ठीक है। और कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखना। जो वोवेल्स है हमारे कुछ इस तरह है। तो जो ए ई आई ओ यू, ये क्या है? हमारे वोवेल्स। क्या है? वोवेल्स। अब इन्हीं वोवेल्स को वर्ड के अंदर किस तरह रखना है उसके बारे में समझेंगे। मतलब कि इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे जिससे कि आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ओके। तो जहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जहाँ पे आपको अंडरलाइन दिखेगा वर्ड के अंदर, तो वो तुम्हारे क्या होंगे? वोवेल्स, ओके। तो वन बाय वन वोवेल्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। किसकी बात करते हैं? ए की, ठीक है। तो ए की कुछ एग्जाम्पल्स है कुछ इस तरह। तो देखो, ये ए दिख रहा है आपको? हाँ। तो ये जो ए है उसके कुछ एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखना। क्या है? सी ए टी, कैट। क्या है? कैट। फिर क्या है नेक्स्ट? एच ए टी, हैट। क्या है? हैट। नेक्स्ट क्या है? बी ए जी, बैग। नेक्स्ट वी ए एन, वैन। नेक्स्ट एम ए पी, मैप, ओके। ये बात हो गई एक ही। अब जो हमारा सेकेंड वन है वो क्या है? ई, ठीक है। तो ई के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो क्या है पहला? पी ई एन, पेन। एन ई टी, नेट। टी ई एन, टेन। आर ई डी, रेड। एच ई एन, हैन, ओके। अब थर्ड वोवेल की बात करते हैं आई की, तो उसके कुछ एग्जांपल्स एस आई एक्स, सिक्स। डब्ल्यू आई एन, विन। एच आई टी, हिट, ठीक है। फिर क्या है? पी आई एन, पिन। फिर क्या है? बी आई एन, बिन, ओके। और फोर्थ जो हमारा वोवेल है वो क्या है? ओ। क्या है? ओ। उसके एग्जांपल डी ओ जी, डॉग। सी ओ डब्ल्यू, काउ। बी ओ एक्स, बॉक्स। पी ओ टी, पॉट। एफ ओ एक्स, फॉक्स, ओके। ये बात हो गई होगी। अब जो हमारा लास्ट और फाइव नंबर का वोवेल वो कौन सा है? यू, ठीक है। तो क्या है उसका फर्स्ट? एस यू एन, सन। एफ यू एन, फन। एम यू डी, मड। आर यू एन, रन। सी यू टी, कट, ठीक है। ये जो सारे एग्जांपल्स थे, ठीक है। कौन कौन से? ये वाले सारे एग्जांपल्स और ये वाले सारे एग्जांपल्स, ठीक है। किसके एग्जांपल्स थे? किसके एग्जांपल्स थे? वोवेल्स के। किसके थे? वोवेल्स के, ओके। अब बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स की। किसकी बात करते हैं? कॉन्सोनेंट्स की। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वोवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे टी ए बी एल ई, क्या है? टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और ई है वो क्या है हमारे? वोवेल्स, है ना। और टी बी एल वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उसी तरह आ जाते हैं नीचे एल ओ एन जी, लॉन्ग। क्या है? लॉन्ग। उसमें बताओ कौन सा है वोवेल? कौन सा है? ओ, है ना। ओ क्या है हमारा? वोवेल है। और एल एन जी क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स। उसके नीचे क्या है लिखा है? देखो ध्यान से, डब्ल्यू ए टी ई आर, वॉटर। क्या है? वॉटर। उसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं? तो ए और ई हमारे क्या है? वोवेल्स। और जो डब्ल्यू टी आर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स, ओके। अब इसी तरह यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
T-R-E-E, क्या लिखा है? ट्री, क्या लिखा है? ट्री, ठीक है? तो इसमें वोवेल्स क्या है? क्या है? ई, हाँ, ई है, ठीक है? और जो टी और आर है वो क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स, ओके? उसके नीचे नेक्स्ट वन क्या लिखा है? सी ओ एल डी, कोल्ड, क्या लिखा है? कोल्ड, ठीक है? उसमें वोवेल क्या है? ओ, ओ जो है हमारा क्या है? वोवेल है, और सी एल डी वो क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? तो इस तरह ये जो हमारे लास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स थे, 5 एग्जाम्पल्स थे ये वाले, ठीक है? ये और ये जो है वो हमारे एग्जाम्पल्स है विद द वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया ना? तो जो ये 5 वोवेल्स है वो मैंने, ओके, याद रखना, जो अगर आप वोवेल्स याद रखते हो तो कॉन्सोनेंट अपने आप याद हो जाएंगे, ओके? ज़्यादा नहीं है, 5 ही तो है, यानी 5 ही तो है, तो याद हो जाने चाहिए, ओके? कौन कौन से थे? ए ई आई ओ यू, ये जो हमारे हैं वो क्या है? वोवेल्स है, ओके? तो याद रखना, जो ये वोवेल्स है इनसे फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे भरी जाती है, हमारे एग्जाम में बच्चों के लिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स आती है ना? तो जो अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जावे कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वोवेल्स, ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स या क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आप लोगों को इस तरह इन वोवेल्स की हेल्प से फिलिंग द ब्लैंक्स करनी होती है, अंडरस्टैंड ना? ठीक है, चलो याद रखना जो ये वोवेल्स है कितने हैं और कैसे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, मिलेंगे, तब मैं जब आपसे पूछूंगी ये हमारे वोवेल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है? और इसी तरह आपको कुछ एग्जांपल्स भी देने होंगे। तो आज का होमवर्क आपका है कि जिस तरह मैंने ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स समझाए हैं, उसी तरह आप अपने मन से कोई एनी 5 या एनी 10, सॉरी एनी 5 नहीं, 5 तो मेरे लिए थे, 10 आपके लिए, ओके? थोड़ी मेहनत करो, दिमाग को चालू रखो, मतलब कि अगर बंद रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा थिंकिंग को चालू रखो, तो आप लोगों को थिंकिंग पावर स्ट्रांग होगी, है कि नहीं? तो आप लोगों को द 10 एग्जाम्पल्स इनके लिख के लाने हैं, ओके? तो इसे जितना भी मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो अलग उसके जैसे नहीं होने चाहिए, अंडरस्टैंड ना? जितने भी एग्जाम्पल्स आप लिखोगे वो मेरे एग्जाम्पल से मैच नहीं होने चाहिए। आप जितने भी लिखो अपनी मेहनत से लिखना, ओके? और आपको जो भी होमवर्क होगा वो आपके स्कूल के ग्रुप में भेज दिया जाएगा, अंडरस्टैंड ना? ठीक है, तो जो ठीक है इस तरह। और हाँ, वो जो मैंने एग्जांपल समझाया ना उसे बस नोट करके लिख रखना, ताकि आप कभी उसे खोल के देखो तो याद आवे कि वोवेल्स क्या थे, अंडरस्टैंड ना? ठीक है, चलो तो अब अपने यहाँ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके? ध्यान रखिएगा अपना और घर का भी, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।